पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के परिवार के लिए अगर कानून में संशोधन करके अगर कुछ भी करना पड़े तो पंजाब सरकार को जरूर करना चाहिए, यह कहना है पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और गुरदासपुर से लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील जाखड़ का, जो उपचुनाव के लिए अपनी चुनावी मीटिंगों को लेकर गुरदासपुर के हल्का फतेहगढ़ चूरिया में पहुंचे। इस मौके पर जाखड़ ने बड़ी लीड के साथ अपनी जीत का दावा भी किया। इस मौके पर उनके साथ हल्का फतेहगढ़ चूरिया से MLA और पंजाब कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा और हल्का पट्टी से MLA हरमिंदर सिंह गिल भी मौजूद थे। गुरदासपुर से रशपाल सिंह, आजाद टीवी न्यूज। देखो, सरदार बेन सिंह ने जो कुर्बानी दी है सारे कानून तोड़ के कोई नहीं कुर्बानी दिता। जो कॉन्ट्रीब्यूशन पंजाब अज जे आप सुख का सह लै रहे हैं, शांति अमन शांति इलेक्शन हो रहा है, सरदार बेन सिंह के उत्ते कोई भी कानून लागू नहीं होता। सरदार बेन सिंह का जिहड़ा कुर्बानी है वह पंजाब वास्ते, पंजाब के लोगों वास्ते बहुत एक करीबी उन्होंने दिलों के उन्होंने दिलों च वसद है सरदार बेन सिंह। तो अगर उन्होंने पोते DSP की नौकरी दी है तो मैं नहीं समझता भी वो कानून से जो भी शोध करनी चाहिए है कर लेनी चाहिए। बहुत लोगों के मैं देखे, मैं पिछले जो इतने गुरदासपुर हल्के च सारे चाहे भूआ जाके हैं चाहे गुरदासपुर के पिंड के अंदर दो गल्ला मैं देखी हैं। एक तो जिहड़ा कांग्रेस का वर्कर है वो जोश तो उत्साह जिहड़ा है वो 6 महीनों तो पहला ज़्यादा है। उन्होंने ऐं भी देखियो कि वापस अकालिया जान ना पै जाए, बड़ी मुश्किलों नाल कढ़िया 6 महीने पहला इन्हों तो आ कि BJP के भाने इन्हों जान ना पै जाए। दूजा लोग जिहड़े आम वोटर है उन्होंने गुस्सा है डीजल की कीमतों लैके, महंगाई नूं लै के, पेट्रोल दी वधियां कीमतां नूं लै के, गैस दी कीमतां नूं लै के, व्यापारी जिहड़ा मंदी दे नाल परेशान है उन्हां सारा गल्लां दा उन्हां ते गुस्सा है। वह प्रधानमंत्री जी नूं इक सुनेहा भेजना चाहते अपनी नाराजगी का, इस करके वह इत्थों कांग्रेस नूं बहुत वड्डा हुंगारा देणगे।